पिछले वीडियो में आपने एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में हम व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। व्यू मेन्यू में पहला ऑप्शन है टूल बार। व्यू का अर्थ है इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। जैसे टूल बार यहाँ पे सिलेक्टेड है चेक मार्क, इस पर जैसे ही आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ से टूल बार हट जाता है और ये भी यहाँ से खाली हो जाता है। दोबारा अगर टूल बार देखना है आपको तो वापस क्लिक कर दो, ये टूल बार आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट बार नहीं देखना है, जैसे ये एरियल है, साइज है, इसको फॉर्मेट बार बोलते हैं, इसे नहीं देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, फॉर्मेट बार चला गया, ये भी यहाँ से खाली हो गया। अब दोबारा देखना है अगर आपको तो इस पर क्लिक कर दो, फॉर्मेट बार आ जाएगा। रूलर आपको नहीं देखना है तो क्लिक कर दो, रूलर गायब हो जाएगा। देखना है तो रूलर पर क्लिक कर दो, वापस आ जाएगा। स्टेटस बार नीचे वाली ये पट्टी आपको नहीं देखनी है तो आप स्टेटस बार पर यहाँ पर क्लिक करो, देखनी है तो वापस क्लिक कर दो, वापस आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका ऑप्शंस। ऑप्शंस में पहली टैब जो है उसमें दे रखा है कि ये जो रूलर है इसमें जो भी मेजरमेंट की जो भी यूनिट है वो क्या हो। अभी इंचेज में है, अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। पॉइंट्स में करना चाहते हो पॉइंट में हो जाएगी, पिकास में करना चाहते हो पिकास में हो जाएगी। जैसे मैं अभी यहाँ पर सेंटीमीटर में कर रहा हूँ और ओके, अभी ये रूलर की जो मेजरमेंट यूनिट है ये सेंटीमीटर में हो गई है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट। ये टेक्स्ट टैब दबाने से जो ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं ये तब काम में लिए जाते हैं जब आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो टेक्स्ट टाइप का हो। जैसे टेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेता हूँ और ओके करता हूँ, इसको सेव नहीं करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो, इन शब्दों की सेटिंग आपको किस प्रकार करनी है। जैसे अभी ये एक लाइन गई विंडो तक गई और उसके बाद में टूट गई। व्यू में यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे तो टेक्स्ट अपने आप ही सिलेक्टेड है और यहाँ पे सिलेक्टेड है रैप टू रूलर, कि जो भी आपकी लाइन है ये रूलर तक जाए और उसके बाद में टूट जाए। आप अगर करते हो रैप टू विंडो और ओके करते हो तो ये थोड़ा सा आगे खिसक गई क्योंकि रूलर आपका यहाँ तक था, अब ये विंडो तक गई है, उसके बाद में टूटी है। जैसे अभी आप कुछ लिखोगे तो ये विंडो तक जाएगा और उसके बाद में टूट के नीचे आ जाएगा। अगर आपको रैपिंग नहीं करनी है तो नो रैप कर दो और ओके कर दो, अब ये लाइन टूटेगी नहीं और सीधा ही आगे बढ़ती जाएगी, पेज बढ़ता जाएगा लेकिन लाइन टूटेगी नहीं। इस प्रकार आप ये वर्ड रैपिंग से संबंधित तीन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। टूल बार से संबंधित यहाँ पे आपको जैसे व्यू में आप टूल बार देखने के लिए ऑप्शन था या फिर हटाने के लिए ऑप्शन था, ये सारे यहाँ पे भी देख यहाँ पे भी ऑप्शन है। जैसे आपको फॉर्मेट बार देखना है, रूलर बार देखना है तो आप ओके कर दो, इनको सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो, अब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑप्शन में दूसरा है रिच टेक्स्ट, दूसरा टैब है रिच टेक्स्ट। इससे संबंधित ऑप्शन जो है वो तब काम करेंगे जब आपके द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट रिच टेक्स्ट टाइप का हो। तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, रिच टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, नो। अब आप यहाँ पे जो भी लिखते हो उन लाइनों की सेटिंग जो है रिच टेक्स्ट वाले टैब से सेट की जाएगी। जैसे अभी आप लिख रहे हो तो ये नो रैपिंग है, मीन अभी ये रैप नहीं हो रहा लाइन का, टूट नहीं रही है ये, तो यहाँ पे रिच टेक्स्ट में जाके देखो यहाँ पे नो रैपिंग सेलेक्टेड है। रैप टू विंडो करोगे तो ये विंडो तक रैप हो जाएगा, यहाँ तक टूट गई लाइन, उसके बाद में नीचे आ गई। अब जो भी आप लिखोगे लाइन वो विंडो तक जाएगी और उसके बाद में टूट के नीचे आ जाएगी। रैप टू रूलर करते हो तो ये रूलर तक जाएगी, उसके बाद नीचे टूट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ड। ये टैब में मौजूद ऑप्शन तब काम करेंगे जब यहाँ पे खुली हुई फाइल एमएस वर्ड से संबंधित हो, एमएस वर्ड 2003 तक संबंधित हो। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे फाइल खोलेंगे एमएस वर्ड की फ़ाइल खोलते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड की फ़ाइल खोलने के लिए यहाँ पे जैसे एमएस वर्ड 2003 से संबंधित फाइल होनी चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे है नहीं, हम यहाँ पे एमएस वर्ड 2003 की फ़ाइल बनाते हैं। चलो अभी इसमें एमएस वर्ड 2003 इंस्टॉल नहीं है,